नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह क्या हो गया? शिवसैनिकों ने क्यों मचाया तांडव? अडानी के नाम को क्यों मिला दिया मिट्टी में? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो नजारा देखने को मिला, उस नजारे की सपने में भी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन वह नजारा फिर भी दिखाई दिया। हवाई अड्डे पर बेहद कड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद 2 अगस्त को सुबह हवाई अड्डे के नाम को प्रदर्शित करने वाले साइन बोर्ड को कुछ लोगों द्वारा तहस नहस कर दिया गया। अब किसी को भी मन में यह विचार आना स्वाभाविक है कि एक बोर्ड से किसी को क्या ऐसी दुश्मनी रही होगी कि पूरे बोर्ड का नामो निशानी मिटाने की कोशिश की गई। तो आपको बता दें, मामला यहां बोर्ड से दुश्मनी या बोर्ड पर लिखे गए नाम से किसी प्रकार की अदावत का नहीं है। मामला है यहां अस्मिता से खिलवाड़ का, लोगों की भावनाओं के साथ चल रहे घिनौने षड्यंत्र का। दरअसल उद्योगपति मित्रों के एहसान तले दबी केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में जिस गति से निजीकरण को बढ़ावा देते हुए देश की धरोहरों को कुछ अमीर घरानों को बेच दिया है, जिसके बाद पैसे के नशे में सरोबार अमीर घरानों ने लोगों की अस्मिता से खिलवाड़ शुरू कर दिया है, जिसका विरोध मुंबई हवाई अड्डे पर दिखाई दिया। हम सब भली भांति जानते हैं कि देश की अधिकतर सरकारी संपत्तियों धरोहरों को चंद लोगों के हाथों बेचा जा चुका है, और यह चंद लोग उन संपत्तियों पर अपना अधिकार जमा कर बैठ गए हैं। सरकार के बेचने और अमीर जादों के खरीदने तक तो फिर भी लोगों ने अपना संयम बनाए रखा, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट, जो पहले भारत सरकार की अपनी संपत्ति हुआ करता था, उसको हाल ही में मशहूर व्यवसायी अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप को बेचा गया, जिसके चलते अडानी ग्रुप द्वारा एयरपोर्ट पर अपना मालिकाना हक जमाने पूर्व में लगे मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के बोर्ड को हटाकर अपने नाम का बोर्ड लगा दिया गया। यही बात इस विषय की अहम कड़ी साबित हुई। दरअसल मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज न सिर्फ एक राजा थे, बल्कि महाराष्ट्र राज्य मराठी समाज के आराध्य देवों में भी गिने और माने जाते थे। उन्हें शिवाजी महाराज का नाम हटाकर अपना नाम लिखवाते हुए सीधा सीधा मराठी अस्मिता पे कुठाराघात कर दिया गया। यह बात इन प्रदर्शनकारियों को चुभ गई और उन्होंने इस तरह पूरे बोर्ड को तहस नहस कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों की शिवसेना पार्टी कार्यकर्ता होना बताया गया है। भले ही इन प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन का तरीका बेहद गलत था, जिसका समर्थन करना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन प्रदर्शनकारियों की हरकत के पीछे की मंशा की बात करें तो जो सब कुछ हुआ या किया गया, जिसके पीछे का कारण उन प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को पहुंची चोट का एक नमूना मात्र था, जिसका उन प्रदर्शनकारियों ने जलवा दिखाया एवं अडानी लिखे बोर्ड को तहस नहस कर दिया। देखिए इस घटना का वह वीडियो। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।